हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जीन थेरेपी। तो आज हम डिस्कस करेंगे जीन थेरेपी के इंट्रोडक्शन और जो आपकी एक्स वीवो इन वीवो जीन थेरेपीज होती है उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। फिर हम बताएंगे कौन कौन से पोटेंशियल टारगेटेड डिजीज़ हैं जो भी जीन थेरेपी के लिए होती हैं, जैसे इनहेरिटेंट डिसऑर्डर्स, जो भी कैंसर है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आज बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन, मतलब जीन थेरेपी होती क्या है आपकी। देखिए, जीन थेरेपी की अगर हम बात करें तो ये एक टाइप का नोवल थेरेपेटिक अप्रोच है, मतलब एक टाइप की नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, दैट इज़ अ थेरेपेटिक अप्रोच। हमें ड्रग को टारगेटेड प्लेस पे डिलीवर करना है। हम करते क्या हैं, अपने डिजीज स्टेट को ट्रीट करने के लिए क्या करेंगे, या तो रिप्लेस करेंगे, या तो अल्टर करेंगे, या तो सप्लीमेंटरिंग करते हैं कोई भी जीन को जो हमारा एब्सेंट है, या तो प्रेजेंट है तो वो एबनॉर्मल है। मतलब जो जैसे आप सपोज़ आप मान लो आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ है, वो डिज़ीज़ इसलिए हो रही है कि आपका जो जीन्स हैं वहाँ पे मान लीजिए वो जीन प्रेजेंट नहीं है जो आपको पर्टिकुलर चाहिए, उसकी वजह से डिज़ीज़ हो गई, या वो जीन प्रॉपरली रेगुलेट नहीं है, एबनॉर्मल जीन है। तो उस जीन को रिप्लेस करना, अल्टर करना, सप्लीमेंट करना, इसका ही हमारे क्या इस चीज़ को ही हम क्या करते हैं, जीन थेरेपी कहते हैं। जीन थेरेपी में यही सब आता है, कोई भी डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए हम इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं, एक या एक से ज़्यादा फॉरेन जीन, मतलब बाहर से हम क्या करते हैं, जीन लेते हैं, उनको आके अपना जो भी हमारे अल्टर्स होते हैं, अब नॉर्मल जीन्स हैं या डिफेक्टिव जीन्स हैं, उनसे रिप्लेस कर देते हैं। फॉरेन हम एक या एक से ज़्यादा फॉरेन जीन्स लेते हैं, उसको हम इन्वॉल्व होंगे कोई भी ऑर्गेनिज्म में, और इसको हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेरिडिटरी जो जेनेटिकली होती है, या एक्वायर्ड जेनेटिक डिफेक्ट जो भी हमारे प्रेजेंट होते हैं, हेरिडिटरी हो गए, या जो एक्वायर्ड जीन जो अपने मतलब अपने ऑफरी स्प्रिंग्स में आते हैं पेरेंट्स से, वो उस टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं, उनको क्योर करने के लिए हम इस थेरेपी का यूज़ करते हैं। जीन थेरेपी में बेसिकली होता क्या है, हम अगर मान लीजिए जो थेरेपेटिक प्रोटीन्स होती हैं, वो मतलब ऐसी प्रोटीन जिसमें थेरेपेटिक कंटेंट होता है, वो क्या होती हैं, विच इज़ कोडेड बाई DNA, वो DNA से कोडेड होती हैं, और वो हमारा पैक कप किसके अंदर होती है, एक वैक्टर होता है, उसके अंदर ही वो DNA कोडेड जो होता है प्रोटीन्स, वो उसके अंदर पैकअप होती हैं। जो क्या करता है, ये जो पैकअप हमने आपको बताया पूरा वेक्टर, वो क्या करता है, DNA को सेल के अंदर ले जाने का काम करता है। ये वेक्टर होता है एज अ कैरियर वर्क करता है, जिसके अंदर DNA इनकोड होता है, और ये हमारा DNA को लेके आ जाएगा, सेल के अंदर ले जाने का काम करता है। अब की जीन थेरेपी की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं, अपने ट्रांसफ़र कर रहे हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं किस लिए, मॉडिफिकेशन के लिए। जो भी फीनोटाइपिक चीज़ें होती हैं हमारी, जो दिखती हैं फीनोटाइप्स, मॉडिफिकेशंस होते हैं उनको, इन्फॉर्मेशन को मॉडिफाई करने के लिए, जो थेरेपेटिक पर्पज़ के लिए हम यूटिलाइज करते हैं, जिनको यूज़ करते हैं। मतलब हम क्या करें, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए फिनोटाइप को, इस थेरेपी का यूज़ करते हैं, जीन थेरेपी को। अब देख लीजिए, हम जीन थेरेपीज जो होती हैं उसके दो टाइप होते हैं बेसिकली। तो देखिए, टाइप्स में हमने पहला बताया सोमैटिक सेल जीन थेरेपी, द सेकेंड वन इज़ अ जर्म लाइन जीन थेरेपी। तो सोमैटिक सेल जीन थेरेपी में हम क्या बता रहे हैं, देखिए इसमें आपका जो भी थेरेपेटिक जीन्स होंगे, जो भी हमारे जीन्स हमारे प्रेजेंट होती है जिसमें एक्टिव कंपोनेंट होगा, वो क्या होगा, कहाँ ट्रांसफ़र होगा, नाम ही सोमैटिक है तो सोमैटिक सेल्स में ट्रांसफ़र होगा। और जर्म लाइन जीन थेरेपी में क्या होगा, भाई जो हमारा थेरेपेटिक जीन्स होंगे वो जर्म सेल्स में ट्रांसफ़र होंगे। इस एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लीजिए, सोमैटिन की बात कर रहे हैं, तो अगर हम जीन का इंट्रोडक्शन करा दें बोन मैरो सेल, जो हमारी बोन मैरो की सेल्स होती हैं, अगर वहाँ पर हमें जीन को इंट्रोड्यूस कराना, आइदर हम ब्लड सेल्स में अगर आपको इंट्रोड्यूस कराना है, या जो भी स्किन सेल्स में कराना है, तो ये सोमैटिक सेल जीन थेरेपीज में आएगा। और अगर जर्म लाइन की बात की जाए, तो उसमें जीन अगर हम इंट्रोडक्शन कराते हैं, आइदर हम एग में या स्पर्म में अगर हमको जीन का इंट्रोडक्शन कराना है, तो वहाँ जर्म लाइन जीन थेरेपीज में आता है। सोमैटिक की बात कर लें, सोमैटिक में देखिए, विल नॉट बी इंट्रैक्टेड लेटर जेनेटिकली, आगे वो जाके जेनरेशन के बाद आफ्टर वो क्या होता है, दिखाई नहीं देता है, विल नॉट हेरिडेट, आगे नहीं आएगा आगे जनरेशन्स में। अगर ये थेरेपी आपने करवा ली, अपने जीन्स अल्ट्रेशन करा लिया सोमैटिक के थ्रू, सोमैटिक सेल्स में, तो क्या हुआ, आपका आगे हेरिडेटरी जनरेशन में नहीं आएगा। लेकिन अगर जर्म लाइन जीन थेरेपीज के थ्रू क्या होता है, ये इनहेरिटेबल होती है, मतलब वो लेटर आफ्टर जनरेशन आपकी आगे वाली जनरेशन में क्या होगा, वो दिखाई देगा, पास आउट हो जाती हैं। इस टाइप की थेरेपी होती है, जर्म लाइन बात कर रहे हैं।
अगर सोमैटिक सेल जीन थेरेपी की बात करें तो वहाँ पे ये होता है कि प्रेजेंट टाइम में देखा गया जितने भी रिसर्च होते हैं जो रिसर्च वर्क परफॉर्म करते हैं वो डायरेक्टेड करेक्ट जेनेटिक वो क्या करते हैं हमारे वो जेनेटिक डिफेक्ट जो जेनेटिक डिफेक्ट्स होते हैं सोमैटिक सेल्स में उसको डायरेक्टली जाके क्या करते हैं करेक्ट करने का काम करते हैं। लेकिन अगर जो जर्म लाइन की बात की जाए तो वहाँ पर हम सेफ्टी देखते हैं, इथिकल्स देखते हैं, टेक्निकल रीजंस देखे हैं विच इज़ नॉट बीन एग्जेम्प्टेड एट प्रेजेंट, जो आजकल एग्जाम्प्ट नहीं किया जा रहा है। हम देखिए सोमैटिक में तो देख रहे हैं आजकल में रिसर्चर्स जो होते हैं वो करेक्ट करते हैं जीन को सोमैटिक सेल्स में, लेकिन जर्म लाइन की बात में जो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, एथिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल रीजन की वजह से वो अभी प्रेजेंट टाइम में देखा नहीं गया, उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं जो जीन थेरेपीज के अप्रोचेज़ होते हैं। तो जीन थेरेपी के अप्रोचेज़ दो होते हैं, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल जीन थेरेपी। तो क्लासिकल में क्या होगा, इसमें हम क्या करते हैं थेरेपेटिक जो जीन डिलीवरिंग होती है एंड ऑप्टिमम एक्सप्रेशन इन, हम इस पर जो भी हमारे थेरेपेटिक जीन डिलीवरिंग होती हैं और उनका जो ऑप्टिमम एक्सप्रेशन होता है वो टारगेटेड सेल के अंदर करते हैं। क्लासिकल, नाम ही क्लासिकल है तो मतलब थेरेपेटिक जो जीन की डिलीवरिंग करा रहे हैं हम, जो भी जीन्स को हम डिलीवर करा रहे हैं एक्टिव जीन्स को और उनका ऑप्टिमम एक्सप्रेशन क्या है वो डायरेक्टली क्या करें टारगेट सेल जहाँ पे आपको था, जिस जगह पे डिफेक्टेड था उसी पे ही अप्रोच पे करवा रहे हैं। तो जो फॉरेन जीन्स होती हैं वो क्या क्या फंक्शंस जो आप इनटेक कर रहे हो, फॉरेन जीन्स जो रिप्लेस करी जा रही हैं उनमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सबसे पहली बात तो प्रोड्यूस करे एक प्रोडक्ट को, या प्रोडक्ट के तौर पे हम ये कह सकते हैं प्रोटीन्स को करे, दैट मीन लाइक पेशेंट में जिस चीज़ की कमी हो, जिस प्रोडक्ट की, जिस प्रोटीन की, उसका प्रोडक्शन करे वो जीन, इसलिए हम ये बेसिकली फंक्शन होना चाहिए। दूसरा कि वो जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करे जिससे कि जो भी डिजीज सेल्स हों वो मर जाएँ, मतलब जो भी हम जीन अल्टर करके लगा रहे हैं उस जीन में ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो ऐसे टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करे जिससे कि जो भी डिजीज सेल्स हों वो जाके किल आउट हो जाएँ। तीसरी बात ये बता रहे हैं कि जो एक्टिवेटेड सेल्स होंगी इम्यून सिस्टम की उनको ये एक्टिवेट कर दे, जो सेल्स होती हैं इम्यून सिस्टम की उनको एक्टिवेट कर दे जिससे कि जो डिजीज सेल्स हैं उनसे वो लड़ने में हेल्प करें, ये इम्यून सिस्टम की जितनी भी सेल्स हों उनको एक्टिवेट कर दे जिससे कि डिजीज सेल्स में वो लड़ने में हेल्प करें उनको। देखिए तो क्लासिकल बताया, नॉन क्लासिकल में हम ये बता रहे हैं ये हमारा क्या करता है जीन एक्सप्रेशन को इनहिबिशन का काम करता है। नॉन क्लासिकल क्या करेगा, हमारा जो भी जीन इनहिबिशन है उसको इनहिबिट करने का काम करता है और साथ में क्या करता है पैथोजेनेसिस के साथ एसोसिएट करके, या ये कर सकते हैं हम करेक्ट करता है कोई भी जेनेटिक डिफेक्ट हुआ है तो उसको करेक्शन में काम करेगा, नॉर्मल जीन एक्सप्रेशन को रिस्टोर करने का काम करता है, ये हमारा नॉन क्लासिकल काम करता है। मतलब जो जीन एक्सप्रेशन को इनहिबिट करने का नाम, पैथोजेनेसिस को एसोसिएट करता है, जेनेटिक डिफेक्ट को करेक्ट करने का काम, रिस्टोर करने के लिए जो नॉर्मल जीन एक्सप्रेशंस थे उनको फिर से रिस्टोर करने का काम करता है। ये हमने दोनों अप्रोचेस बताए, क्लासिकल एंड नॉन क्लासिकल। अब हम बात करते हैं मैथड्स ऑफ जीन थेरेपी। तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं जीन थेरेपी के, तो बेसिकली टू अप्रोचेस होती हैं जिसके थ्रू हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं जीन को इन अ जीन थेरेपी में। जीन थेरेपी में जीन को ट्रांसफ़र करने के लिए बेसिकली टू अप्रोचेस होते हैं, दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है अगर हम क्या करें अपनी जीन को ट्रांसफ़र कर दें पेशेंट सेल आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर हम अपनी जीन को क्या करें पेशेंट के जो सेल्स हैं उसमें ट्रांसफ़र करें, लेकिन वो आउटसाइड द बॉडी वर्क हम करवा रहे हैं, दैट इज़ एक्स वीवो जीन थेरेपी। मतलब आउटसाइड द बॉडी हम क्या करा रहे हैं अपने जीन को ट्रांसफ़र करा रहे हैं पेशेंट की सेल में। दूसरी थेरेपी है ट्रांसफ़र अगर हम करा रहे हैं अपने जीन्स को डायरेक्टली इनटू द सेल, इनटू द मतलब दूसरा हम क्या करा रहे हैं जीन को ट्रांसफ़र करा रहे हैं इनसाइड द बॉडी और डायरेक्टली इनटू द पेशेंट सेल। वो आउटसाइड था तो दैट इज़ अ एक्स वीवो थेरेपी होगी, और इनसाइड द बॉडी अगर हम उसको ट्रांसफ़र करा रहे हैं दैट इज़ अ इन वीवो जीन थेरेपी। तो इन वीवो और एक्स वीवो दो टाइप के हमारे मेथड्स होते हैं, अप्रोचेज होते हैं, जिससे क्या होता है जीन को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपनी पेशेंट की सेल्स में। तो देखिए पहला हमने बताया एक्स वीवो जीन थेरेपी में क्या होगा, इस टाइप के जो भी हमारे जीन थेरेपीज होती हैं इसमें क्या होता है जीन को हम ट्रांसफ़र करते हैं, किस में ट्रांसफ़र करेंगे सेल ग्रोथ इन अ कल्चर, मतलब एक कल्चर मीडियम बनाते हैं उसमें क्या करते हैं अपनी सेल्स को जो भी जीन्स होती हैं उनको ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो भी हमारी जो ट्रांसफॉर्म सेल्स लेंगे जो भी आए उन मतलब जो पर्टिकुलर जिनको हमें चाहिए टारगेटेड उनको हमने सेलेक्ट आउट किया अपनी सेल्स को, उनका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे मतलब कल्चर मीडियम में ग्रो कराएंगे, फिर हम उसको पेशेंट में इंट्रोड्यूस कराते हैं।
मतलब हमने जीन लिया अपना जो भी हमें था उसको हमने ट्रांसफ़र कराया सेल में, ग्रो कराया कल्चर मीडियम में, फिर हम जो ट्रांसफॉर्म सेल जो भी बनी उसको सेलेक्ट करेंगे कि पर्टिकुलर हमें यही सेल चाहिए, जो भी सेल थी वो ली, मल्टीप्लिकेशन कराया उसी का कल्चर मीडियम में, देन आफ्टर हम उसको पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करा देंगे। और हम ये बता रहे हैं कि जो सेल्स आर सोशली इनिशिएटेड फ्रॉम द पेशेंट टू बी ट्रीटेड, हमें जो सेल्स जो भी हमें बताई आपको सेल, उसको हमें सोर्स इनिशिएट, मतलब वो सेल्स हमें लेनी कहाँ से हैं, जो आपको मैंने सेल्स बताई जो ट्रांसफ़र हम कर रहे थे जीन को सेल्स में, वो जेल हमें लेनी कहाँ से, उसी पेशेंट से लेनी है, उसी पेशेंट की बॉडी से वो सेल्स लेनी है जिसका हमें ट्रीटमेंट करना है, उसी पेशेंट की बॉडी से हम वो सेल्स लेंगे, उसको हम ग्रो कराएंगे कल्चर में, फिर उसको क्या करेंगे बिफोर री इंट्रोडक्शन, मतलब फिर से उसको इंट्रोड्यूस कराने से पहले हम क्या करेंगे, उसके सेल्स में हमने पूरा जीन को ग्रो कराया, पूरा सिलेक्शन किया प्रॉपर, फिर उसको फिर से री इंट्रोड्यूस कर देंगे उसी सेम इंडिविजुअल में। देखिए हम आपको डायग्राम के थ्रू उसको बताते हैं। जैसे एक पेशेंट था, उसके हमने सेल्स को आइसोलेट किया, जो जीन डिफेक्टेड था, मान लीजिए कि उसका पर्टिकुलर एक जीन था वो डिफेक्टेड था, तो हमने उस जीन को निकाला, पेशेंट से आइसोलेट कर लिया सेल्स को, सेल को निकाल के क्या करेंगे, उसको हमने कल्चर मीडिया में ग्रो कराया, तो देखिए कल्चर मीडिया में ग्रो हो गया, ये डिफेक्टेड जीन दिखा दिए हमने, ये हमारा देखिए ह्यूमन सेल था, अब जितने डिफेक्टेड जीन्स थे, न्यूक्लियस था, इन्फेक्टिंग द टारगेट सेल विद रेट्रो, अब हम क्या करेंगे रेट्रोवायरस के थ्रू उसका इन्फेक्शन कराएंगे, तो मल्टी फंक्शनिंग डिफेक्टेड डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पूरा देखिए ग्रोथ होने लगेगी, अब देखिए अब उस पर रेट्रोवायरस का इन्फेक्शन होगा टारगेट सेल्स पे, तो हमारा और ग्रोथ होने लगेगी, होने के बाद क्या होगा, रेट्रोवायरस जो भी आप जानते हो रेट्रोवायरस रिकॉम्बिनेंट आरएनए होता है जो ऑफन नॉर्मल जीन फॉर्म को उसमें हमने इन्वर्ट कराया, हमने लिया ग्रोथ लिया कल्चर मीडियम लिया, उस पर अपना जो भी डिफेक्टेड जीन था उसको कल्चर मीडियम में डाला, जब वो ग्रो करने लगा तो हमने क्या किया रेट्रो वायरस का इंजेक्शन जो इन्फेक्शन था इसके अंदर करवाया इसी कल्चर मीडियम में, जब इन्फेक्शन हो गया इसके अंदर टारगेट सेल पे रेट्रो वायरस का, उसके बाद देखिए क्या हो रहा है, उसके बाद क्या होगा इसका ट्रांसलेशन होगा साइटोप्लाज्म का, आप देखिए क्या होगा ट्रांसलेशन इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द करेक्टेड प्रोटीन रिस्पॉन्स फॉर द डिटेक्शन जीन, उसी को देखिए आपने रेट्रोवायरस के थ्रू करा दिया, अब रेट्रोवायरस के बाद हमारा आर डीएनए का फॉर्मेशन होगा, उसी रिकम्बिनेंट आरएनए से क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी, तो डीएनए बनेगा तो वही हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होगी, पूरी प्रोसेस होने के बाद आफ्टर डीएनए होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा कल्चर मीडियम में, फिर ग्रोथ होगी, तो क्या होंगे करेक्ट जीन भी तैयार हो जाएंगे, करेक्ट प्रोटीन्स तैयार हो जाएंगे, तो दोनों को हमने अलग कर दिया, जो ट्रांसफेक्टेड सेल्स अलग होंगी, रिकवरी सेल्स अलग जाएंगी, फिर जो रिकवरी सेल्स होंगे उनको हम छाट के अलग करके क्या करेंगे कल्चर मीडियम में ग्रो करा लेंगे, फिर से क्या करेंगे उसी को सेम पेशेंट में हम इन्फ्यूज़ करा देंगे, फिर उसी पेशेंट में फिर से हम उसको इंट्रोड्यूस करा देंगे, ये हम काम करा रहे हैं, आप डायग्राम देख सकते हैं। देखिए एक्स वीवो हो गया आपका, अब बात करते हैं इन वीवो, मतलब बॉडी के अंदर, तो इन वीवो में क्या कर रहे हैं हम ट्रांसफ़र करा रहे हैं अपने क्लोन जीन का, जो भी हमारे क्लोन जीन थे जैसे जीन्स थे सिमिलर, उसको डायरेक्टली हम टिश्यूज़ ऑफ द पेशेंट में डायरेक्टली इंजेक्ट करा रहे हैं, ये कैसे होगा, ये दिस इज़ डन इन दोस टिश्यूज़, उन टिश्यूज़ में ये होता है जहाँ पे इंडिविजुअल सेल कैन नॉट बी कल्चर, अगर आपकी इंडिविजुअल सेल्स जो है वो खुद से कल्चर नहीं कर पा रही, कल्चरिंग नहीं कर पा रही, अपना मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगी, तो उस टाइप पे हम क्लोन जीन्स लेके उसको डायरेक्टली पेशेंट में इंसर्ट करते हैं। इन विट्रो में हम ये, अगर मान लीजिए इन विट्रो केसेस में हमने बताया, जैसे कि एग्जांपल में कुछ ऐसी सेल्स होती हैं ब्रेन की सेल्स हो गई, सफिशिएंट नंबर की होती हैं उनमें हम ऐसा नहीं करा सकते, तो उनमें क्या करते हैं इन वीवो टेक्निक यूज़ करते हैं। एंड वेयर री इम्प्लांटेशन ऑफ अ कल्चर इज, अगर जो भी आपका री इम्प्लांटेशन, हम इसमें री इम्प्लांटेशन करा रहे थे ना आपका एक्स वीवो में, तो उसमें ऐसी सेल्स जिसमें री इम्प्लांटेशन कल्चर सेल्स का इफेक्टिव नहीं होता, उतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा, और इतनी सफिशेंटली हमारे जो इंडिविजुअल सेल्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगी, तो उन केसेस में हम इन वीवो जीन थेरेपीज़ का यूज़ करते हैं। इन वीवो जीन थेरेपीज़ में हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमने अपना बॉडी ली, जो भी जेनेटिक जहाँ पे था, जो भी इंडिविजुअल था उसकी थेरेपेटिक जीन को लिया, थेरेपेटिक जीन्स को हमने इंसर्ट कर दिया, जो वायरल डीएनए था या लिपोसोम उसी के अंदर डायरेक्टली डीएनए में जाके इंसर्ट कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, तो डीएनए जो होगा रेप्लिकेट करेगा, इंसर्शन करेगा पेशेंट की बॉडी के अंदर, और डायरेक्टली क्या होगा उसको टिश्यूज में पहुँच जाएगा, वहाँ से डीएनए इनकॉर्पोरेट कर लेगा सेल्स में, इनकोड करके हमारा जो जी भी जीन थे उसको तो इंसर्शन करा देगा, ये आपका प्रॉपर हो गया इन वीवो जीन थेरेपी। अब हमने बात की है यहाँ पे टारगेटेड साइट फॉर जीन थेरेपी,
तो कौन कौन से टारगेटेड साइट्स होती हैं जीन की थेरेपी के लिए, कौन कौन से टारगेटेड साइट्स होती हैं? तो जीन जो टारगेटेड जीन डिफेक्ट होता है उसमें अगर हमारे जो भी जीन्स का डिफेक्टेड हैं टारगेटेड, उसमें हमारा सिंगल म्यूटेशन आएगा, मल्टीपल म्यूटेशंस आते हैं, सेवरल टाइप के जीन्स आते हैं, और इवन शोविंग द मिसिंग और एक्स्ट्रा कॉपीज इन अ पेशेंट, कोई भी पर्टिकुलर डिजीज़ है उसमें मिसिंग या एक्स्ट्रा कॉपीज़ जो होती हैं वो भी आती हैं, ठीक है। और देखिए अ डिफेक्ट इन वन स्पेसिफिक जीन में भी इम्पेयर्ड द नॉर्मल फंक्शन ऑफ द इनकॉर्पोरेशन एक्सप्रेशन जीन, मतलब एक टाइप का डिफेक्ट होता है इन वन स्पेसिफिक जीन, एक आपका पर्टिकुलर स्पेसिफिक जीन में डिफेक्ट जो होगा में इम्पेयर द नॉर्मल, अगर आपकी एक की पर्टिकुलर जीन है उसमें कोई डिफेक्ट भी आ गया तो वो हमारा नॉर्मल फंक्शन जो आपका चल रहा है उसको पूरा डिसबैलेंस कर सकता है, ये तो हमें पता ही है। अब देखिए हमने आपको एक चार्ट फॉर्म में दिखाया कि इधर डिजीज़ दिखा दी हमने, इधर हमने दिखाया टारगेट सेल्स कौन कौन सी डिजीज़ या कौन सी डिजीज़ सेल्स को टारगेट करती हैं। कैंसर की बात कर रहे हैं तो कैंसर में टारगेट सेल है ट्यूमर सेल्स होती हैं हमारी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जिसे APCs बोलते हैं, नेक्स्ट हमारा ब्लड प्रोजेंटोर सेल्स होती हैं, डेंसिटी सेल्स होती हैं, फिब्रोब्लास्ट होती हैं, मसल सेल्स होती हैं, ये सब कैंसर की टारगेटेड सेल्स होती हैं, कैंसर यहाँ यहाँ पे जाके टारगेट सेल्स को एक्ट करता है। नेक्स्ट डिजीज़ हमारा इनहेरिटेड मोनोजेनिक डिजीज़, इसमें क्या बता रहे हैं जैसे लंग्स में देख लीजिए लंग एपिथेलियल सेल्स की बात कर रहे हैं, मैक्रोफेजेस होती हैं, टी सेल्स हो गई, ब्लड प्रोजेनिटोर सेल्स हो गई, हेपेटोसाइट्स हो गई, मसल सेल्स हो गई, इन सबको टारगेटेड सेल्स होती हैं इनहेरिटेड मोनोजेनिक डिजीज़ की। डिजीज़ में नेक्स्ट आता है इन्फेक्शियस डिजीज़, इन्फेक्शियस डिजीज़ में टी सेल्स, ब्लड प्रोजेनिटर सेल्स हो गई, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, APCs सेल, मसल सेल। आगे बात कर रहे हैं हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में हमारा एंडोथेलियल सेल्स हो गई, मसल सेल्स हो गई। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारा रूमेटोइड आर्थराइटिस हो गई, रूमेटोइड आर्थराइटिस में सिनोवियल लाइनिंग सेल्स हमारी हो गई। और नेक्स्ट हमारी डिजीज़ है क्यूबिटल टनल सिंड्रोम में हमारी नर्व सेल्स आती हैं, ये हमारी टारगेटेड साइट हैं जहाँ जहाँ पे कौन सी डिजीज पर्टिकुलर सेल्स पे टारगेट करती है। अब आगे हमने बात करी है टारगेटेड किलिंग ऑफ स्पेसिफिक सेल, हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि कैसे कौन कौन से टारगेटेड किलिंग स्पेसिफिक सेल्स की टारगेटेड किलिंग कैसे होती है। तो इसमें हम ये बताएंगे इट इन्वॉल्व दी जीन इनकोडिंग टॉक्सिक कंपाउंड, आप इसमें ये बताओगे जैसे हम कि कौन कौन सी जीन्स जो होती हैं वो टॉक्सिक कंपाउंड का इनकोड करती हैं, मतलब सुसाइड जीन्स होती हैं या प्रो ड्रग्स होती हैं जो क्या करती हैं टू किल द ट्रांसफॉर्म सेल्स को किल करने का काम करती हैं, इन्हीं को ही हम पॉपुलरली कैंसर जीन भी बोलते हैं, कैंसर जीन थेरेपी भी बोलते हैं। जैसे पर्टिकुलर देखिए हम आपको ये बता रहे हैं कि इसमें हमने अपना जैसे मान लीजिए डायग्राम के थ्रू देखिए एक डिजीज सेल थी, ऐसी सेल है जो डिफेक्टिव सेल है उसमें डिजीज़ है, उसमें आगे देखिए हमने क्या दिखाया सुसाइड जीन इसके अंदर हमने इंजेक्ट की, सुसाइड जीन इंजेक्ट करी तो इंजेक्ट करने के बाद सुसाइड जीन प्रोड्यूस द टॉक्सिक प्रोडक्ट, जो सुसाइड जीन हमने इंजेक्ट की उससे क्या हुआ टॉक्सिक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अंदर वो तैयार कर देगा जिससे क्या होगा डिजीज सेल डाई, वही जो डिजीज सेल थी वो मर जाएगी। हमने क्या किया बाहर से सुसाइड सेल जीन्स का इसमें अंदर टॉक्सिक कंपाउंड का इंजेक्शन करा जिससे कि वो क्या हुआ टॉक्सिसिटी वाली टॉक्सिक प्रोडक्ट बना अंदर और जो भी सेल थी हमारी डिजीज सेल वो डेथ हो गई इसकी। दूसरा तरीका देखिए हम ये बता रहे हैं डिजीज सेल्स हमने ली उसमें मार्कर जीन का इंजेक्शन ऐड कर देंगे तो मार्कर प्रोटीन एक्सप्रेशन ऑन सेल की सरफेस पे क्या होगा मार्कर जीन का हमारा मार्कर प्रोटीन एक्सप्रेशन ऑन जो सेल्स की सरफेस पे मार्कर प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन होने लगेगा, मतलब किलिंग ऑन स्पेसिफिक सेल पे जो किल कर रही हैं। आगे देखिए हमारा क्या हो रहा है इम्यून सिस्टम अटैक मार, अब जो भी अब देखिए यहाँ पे डिजीज स्टेट हो गई मार्कर प्रोटीन्स आ गई सेल की सरफेस पे तो जो भी इम्यून सिस्टम हमारा था वो क्या करेगा यही जो मार्कर सेल्स होंगे उस पर जाके अटैक करेगा, इसको मारेगा, अब इसे किल करेगा, इम्यून सिस्टम अटैक करेगा तो हमारी सेल जो होंगी डिजीज सेल वो डेथ हो जाएगी। एक मार्कर प्रोटीन से बताया हमने, एक सुसाइड जीन से बताया, तो ये हमारी कैसे हम किलिंग करते हैं कोई भी स्पेसिफिक सेल्स की किलिंग करने का तरीका ये है। नेक्स्ट देखिए हम ये बात कर रहे हैं टारगेटेड इनहिबिशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, कोई भी जीन एक्सप्रेशन का टारगेटली इनहिबिशन कराने के लिए तो इसका हमारा टारगेटेड इनहिबिशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मेन एम यही होता है कि हम इंट्रोड्यूस कराते हैं जीन को टू इंट्रोड्यूशन का जीन होस्ट प्रोडक्ट आए था ऐसे जीन का इंट्रोडक्शन कराते हैं जिसका प्रोडक्ट
क्या करते हैं, इनहिबिट द एक्सप्रेशन ऑफ अनदर, मतलब दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को इनहिबिट करें, ऐसे जीन का इंट्रोडक्शन कराएंगे या इंटरफेयर करें विद द एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अनदर जीन। मतलब हमें क्या करना है, ऐसे जीन का इंट्रोडक्शन कराना है जिसका प्रोडक्ट या तो अनदर जीन्स के एक्सप्रेशन को इनहिबिट करे या तो उसकी एक्टिविटी को इंटरफेयर करे, एक्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ अनदर जीन के प्रोडक्ट, अनदर जीन के प्रोडक्ट की एक्टिविटी को इंटरफेयर करे, ऐसे जीन को हमें क्या कराना है, उसका उस पर ही मेनली एम होता है इनका। तो इस थेरेपी का बेसिस यही होता है कि हम क्या कर सकें, एलिमिनेट कर सकें एक्टिविटी ऑफ अ जीन की एक्टिविटी को एलिमिनेट करने के लिए, कि जो जीन की एक्टिविटी प्रॉपर चल रही है उसको एलिमिनेट करने के लिए ये थेरेपी यूज़ की जाती है। दैट इनकरेजेस द ग्रोथ ऑफ अ डिजीज रिलेटेड, मतलब ऐसी जीन जो क्या करती हैं, डिजीज रिलेटेड सेल्स की ग्रोथ को बढ़ावा देती हैं, इनकरेज करती हैं, उनकी एक्टिविटी को ख़त्म करने के लिए, ऐसी जीन्स की एक्टिविटी को एलिमिनेट करने के लिए ये थेरेपी बेसिकली, नाम ही इनहिबिटर है, जो जीन, ऐसी जीन जो एक्सप्रेशन कर रही हैं डिजीज रिलेटेड सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट कर रही हैं, तो उनकी एक्टिविटी को एलिमिनेट या ख़त्म करने का काम करता है ये थेरेपी, टारगेटेड इनहिबिशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मिले रखते हैं कैंसर हो गया, कैंसर इज समटाइम द रिजल्ट ऑफ अ ओवर एक्टिवेशन ऑनको जीन्स का, अगर हम मान लीजिए बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिवेशन हो जाता है तो क्या होता है, कैंसर कॉज हो जाता है, मतलब उसकी ओवर ग्रोथ हो गई, अनकंट्रोलेबल ग्रोथ हो गई। सो ये हम ये कह सकते हैं कि एलिमिनेट, अगर हमको ऑनको जीन्स की एक्टिविटी को एलिमिनेट करना है जीन इनहिबिशन थेरेपी के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट फर्दर सेल ग्रोथ, या तो हम क्या करें, सेल्स ग्रोथ को, जो सेल की डिवीज़न हो रहा है, सेल की ग्रोथ हो रही है, या तो उसको ही रोक दें, या तो जो कैंसर है उसकी ट्रैकिंग साइट को, जहाँ जहाँ पे ट्रैक कर रहा है, जहाँ पे जा रहा है, उसको स्टॉप कर दें। दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनहिबिशन कर सकते हैं, इनहिबिशन थेरेपी वर्क कर सकती हैं कैंसर के केस में, या तो हम सेल ग्रोथ को ही रोक दें, या तो कैंसर की जो ट्रैक्स हो रहे हैं, जो जहाँ पे ट्रैक्स कर रहा है जाके, जहाँ जहाँ पे मूव कर रहा है, उसको स्टॉप कर दें। दो तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टारगेट इनहिबिशन करा सकते हैं अपनी सेल, जो भी थेरेपी है उसका, मतलब ऑन्कोजीन्स का, कैसे हम इनहिबिशन करा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला हमारा है टारगेटेड जीन म्यूटेशन करेक्शन। तो टारगेटेड जीन म्यूटेशन करेक्शन क्या होता है, इट इज़ यूज टू करेक्ट अ डिफेक्टिव जीन टू रिस्टोर इट्स फंक्शन। इसका हम यूज़ तब करते हैं अगर हमको कोई डिफेक्टिव जीन है उसको रिस्टोर करना, उसका उसका फंक्शन जैसे पहले था वैसे ही पहला सेम फंक्शन उसको रिस्टोर करने के लिए इस थेरेपी को हम यूज़ करते हैं। कैसे कर रहे हैं, विच इज़ डन बाय होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन एट अ, हम इसको डन कैसे, हम ये कर परफॉर्म करेंगे, हम होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन कराते हैं जेनेटिक लेवल पे, उसका क्या कराएंगे, अपना होमोलोगसली रिकॉम्बिनेशन कराते हैं जेनेटिक लेवल पे, और बाय यूजिंग अ थेरेपेटिक रोबोजाइम्स, या तो हम क्या करा दें, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन करा दें उसका जेनेटिक लेवल पे, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन करा दें, या तो हम थेरेपेटिक रोबोजाइम्स का यूज़ करें, या तो हम थेरेपेटिक आरएनए का यूज़ करें जो कि एमआरएनए लेवल से एडिक्शन होना चाहिए, मतलब जिससे एडिक्टेड होने चाहिए। देखिए हमें जो जीन था डिफेक्टिव जीन था उसके फंक्शन, पुराने फंक्शन को फिर से करेक्ट करने के लिए इस थेरेपी का हम यूज़ करते हैं टारगेटेड जीन म्यूटेशन करेक्शन। इसमें क्या करेंगे, हम इसको डन परफॉर्म करने के लिए या तो होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन करते हैं जेनेटिक लेवल पे, होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन करेंगे जेनेटिक लेवल पे, या तो हम थेरेपेटिक राइबोसोम्स का यूज़ करते हैं, या तो हम थेरेपेटिक आरएनए का यूज़ करते हैं जो कि एडिटिंग इसकी होती है एमआरएनए लेवल के थ्रू होती है। जो देखिए डायग्राम में हमने दिखाया आपको डिजीज थल थी जिसमें म्यूटेंट जीन एक्स हमारे यूज़ हम कर रहे थे, हमने क्या किया, जीन को करेक्ट किया, वही टारगेटेड जीन म्यूटेशन कोरिलेशन, यही हमारा थेरेपी लगाई, करेक्ट जीन आ गए यहाँ पे, जो भी करेक्ट जीन थे जो भी काट पीट के वो आ गए यहाँ पे, तो नॉर्मल फिनोटाइप यहाँ पे आ गए, जो भी नॉर्मल था वही फिर से नॉर्मल हमारे कंडीशन रिस्टोर हो गई। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप लिसनिंग।